हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट हिस्ट्री फ्रेंड्स पे। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। योगी जी ने सीधा कहा है कि मार्च तक 2 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। ठीक है, तो सीधी खबर निकल के आ रही है फ्रेंड्स, मार्च तक 2 लाख युवाओं को रोजगार होगा, ये सीधी खबर है योगी जी के द्वारा। ठीक है, न्यूज़पेपर में अंकित आज की न्यूज़पेपर में आई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि सरकार के मार्च में दो साल पूरे होने तक 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। इस निवेश से राज्य के 2 लाख युवाओं को प्रत्यक्ष एवं 10 लाख को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। यहां रोजगार मेले में 10 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए उन्होंने कहा कि इस मेले में 5800 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार शीघ्र ही 50,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती करने जा रही है। इस भर्ती में 20% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा। महिलाओं के लिए गोरखपुर, बदायूं एवं लखनऊ में महिला पीएससी की बटालियन गठित की जा रही है। इसके लिए जल्द ही भर्तियां शुरू होंगी। उन्होंने कहा कि युवा पूरी मेहनत से तैयारी करें। ठीक है, 2 लाख करोड़ रुपए का फंड्स यहां पे निवेश किया है प्रदेश में मार्च तक। ठीक है, 50,000 पुलिसकर्मियों की शीघ्र भर्ती होगी और उन्होंने बताया कि 2 लाख युवाओं को प्रत्यक्ष मौका मिलेगा। तो ये समझ लो आपके लिए पिटारा है फ्रेंड्स, पिटारा खुला हुआ है नौकरियों का। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसमें फटाफट से अच्छे से लग जाइए। कोई भी आपका सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, पक्की खबर निकल के आ रही है फ्रेंड्स, ये सीधी खबर मैंने आपको बताई है जो कि आपकी न्यूज़पेपर कटिंग से ली गई है। ठीक है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है, आप यहाँ पर दे सकते हैं, खबर पक्की है। ठीक है, तो आप जो आपकी तैयारी चल रही है यूपी पुलिस की उसे डबल कर दीजिए। यानी कि पहले सिंगल अगर आप 4 घंटे पढ़ाई कर रहे थे तो अब आप 6 घंटे पढ़ाई करो। ठीक है, क्योंकि 6 घंटे पढ़ाई प्लस फिजिकल पे अपना पूरा फोकस करो, क्योंकि जो वैकेंसी है वो कभी भी आ सकते हैं। आप पूरी तरह से प्रिपेयर रहिए, कोई भी दो राय नहीं है फ्रेंड्स वैकेंसी में कोई देरदार होगी। तो अच्छी तरह से आप पढ़ाई कीजिए और अपना समय ठीक है अच्छे से इन्जॉय करिए। ठीक है, और फ्रेंड्स आपको नौकरी हर हाल में मिलेगी, क्योंकि 50,000 वैकेंसी आ रही है यार। एक साथ समझ लो जितने भी होशियार बच्चे हैं वो 41,000 में चले गए। ठीक है, अब उसके बाद तुरंत बार 49,000 और वैकेंसी आ गई तो उनमें निकल जाएंगे। तो मेरिट और डाउन होती जा रही है। ठीक है, तो अगर आप देंगे इस बार 50,000 की वैकेंसी में तो आपका नंबर पक्का है, बस आपको थोड़ी सी पढ़ाई करने की ज़रूरत है। आप अच्छे से पढ़ाई करो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे यूपी पुलिस की सारी वीडियो प्रोवाइडेड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। जीके की तो इतनी अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइडेड हैं, जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जितने भी अच्छे सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। अब मैं आपको बता दूं, लेखपाल की भी यहाँ पे 6500 वैकेंसी का दावा किया गया है। ठीक है, लेखपाल की 6500 पदों पर भर्ती होनी है, जिसमें पटवारी के पद भी शामिल है। ठीक है, पटवारी की 1700 जगह हैं और आपके अलावा हाईकोर्ट में फिर से वैकेंसी का दावा किया गया है, जिसमें आपको 5 से 6 हज़ार वैकेंसी का दावा बताया गया है। तो आप फ्रेंड्स खबर पक्की है, आप तैयारी करते रहिए। ठीक है, मैंने आपको बताया दैनिक जागरण में कल के में दिया गया था, कल मेरे को टाइम नहीं था, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो पूरी तरह से नौकरी की भरमार है, कोई भी चिंता ना करते हुए सिर्फ पढ़ाई पर फोकस कीजिए, जॉब पक्का लगेगी फ्रेंड्स। और जो कहते हैं ना जॉब का पिटारा होगा फ्रेंड, जितनी भी वैकेंसी निकलनी है वो आपकी 2019 के इलेक्शन से पहले निकलनी है। तो अगर आपको जॉब चाहिए तो 2019 से पहले पहले ले लो, इस मतलब इलेक्शन स्टार्ट होने से पहले पहले ले लो। ठीक है, और नहीं तो फिर भाई जॉब लेना मुश्किल हो जाए, क्योंकि इस समय जितनी वैकेंसी निकल रही है इतनी ज़्यादा वैकेंसी कभी नहीं निकलने वाली। लाइफ में ऐसा पहली बार हुआ है फ्रेंड्स जब इतनी सारी वैकेंसी निकल रही हैं। तो आप बिना मिस किए हुए इन जो इतने आपके पास समय है उसका भरपूर फायदा उठाइए, अच्छे से मेहनत कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्मार्ट स्टीफन चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।